अंग्रेजों के समान फूट डालो और राज करो की नीति सरकार अपना रही है। हमारे एक एक संघ के प्रांताध्यक्ष को चुन चुन कर उन्हें निलंबित किया जा रहा है, जिसका हम आज यहाँ कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं। शासन से हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। अगर हमें पेंशन नहीं दी जा रही है तो इन विधायकों और सांसदों की पेंशन को भी बंद किया जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे जो कर्मचारियों को निलंबन किया गया है उन्हें शीघ्र बहाल करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और मुख्य मांग हमारी यह है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। क्या नाम है? अभय कुमार मेहता। सर, आज मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर समस्त जो 52 से 54 जिले हैं वहाँ पर धरने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुरानी पेंशन की जो मांग हमारी संगठन की तरफ से की जा रही है, प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारी इस मांग को कर रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश शासन की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनकी जो सरकार है, इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे संगठनों के जो पदाधिकारी थे उनकी मांगों वाजिब मांगों को न सुनते हुए उन्होंने उन्हें बर्खास्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारे 2 प्रांताध्यक्ष जो अलग अलग संगठनों के थे, श्री भरत जी पटेल और श्री जगदीश जी यादव, उनको कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन को उठाने के कारण और अन्य जो कर्मचारियों की जो मांग थी उनको उठाने के कारण उनको निलंबित कर दिया गया है। और इस निलंबन का एक प्रमुख कारण ये है कि शासन चाहता है कि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब भयभीत हो जाएं और सरकार के खिलाफ खड़े ना हों। परंतु हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप चाहे कितने ही कर्मचारी को निलंबित कर दें, हमें कितने भी दबाने की कोशिश करें, हम दबने या झुकने वाले नहीं हैं। पुरानी पेंशन हमारा मुख्य अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के 1998 से हम सेवा में हैं। मध्य प्रदेश शासन जो है, इन्होंने केंद्र सरकार ने 2005 से पुरानी पेंशन को बंद किया है और हम 1998 से मध्य प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें NPS दिया जा रहा है और हमारी पुरानी जो पेंशन है उसको रोका जा रहा है। हमने शासन से कहा है, पिछले चार सालों से हमने कई बार विज्ञापनों के माध्यम से गांधीवादी तरीका अपना कर हमने अपनी मांग जो शासन तक पहुँचाने की कोशिश की, परंतु शासन ने हमारी मांग को न सुनते हुए तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे संगठनों को दबाने के लिए, हमारे कर्मचारियों को दबाने के लिए उन्होंने निलंबन कार्रवाई शुरू कर दी है। किन्हीं को सोकास नोटिस दिए जा रहे हैं, किन्हीं को हड़ताल पर जाने से रोका जा रहा है। इस प्रकार से शासन जो अप्रजातंत्रिक तरीका अपना रही है, हम शासन से एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने हमारी पुरानी पेंशन को मांग को तुरंत बहाल नहीं किया तो हम इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक आंदोलन करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी, कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जब NPS की इतनी अच्छाइयां हैं मध्य प्रदेश शासन को लगती है तो क्यों उन्होंने अपने मंत्री और विधायक और सांसदों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, एक व्यक्ति को एक से अधिक पेंशन दी जा रही है, और जो कर्मचारी अपनी सेवाओं के 40 साल 35 साल अपनी सेवाओं में देता है, शासकीय सेवाओं में देता है, इस प्रदेश की नींव का निर्माण करता है, देश की नींव का निर्माण करता है, उन कर्मचारियों को आप पुरानी पेंशन से वंचित कर रहे हैं। और जो उसकी बुढ़ापे का जो सहारा होती है पुरानी पेंशन, जिसके आधार पर वो अपना बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजार सकता है, उसको पूरा नई पेंशन के नाम पर मात्र 500, 1000 और 1200 रुपये दिए जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में